हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इससे पहले वाले वीडियो में बहुत सारे लोग कमेंट किए थे, उनका कहना था कि आरआरबी जेई सीबीटी 2 का जो अभी एग्जामिनेशन हुआ है, इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है वेरिफिकेशन के समय। दूसरा क्वेश्चन ये था कि बहुत सारे लोग ये बोले थे कि उनका अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप के समय कुछ उसमें गलती हो गई है, किन्हीं का फादर नेम या किन्हीं का खुद का भी नेम में कुछ गलतियां हो गई है, तो उसका असर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर भी पड़ेगा क्या। तीसरा क्वेश्चन ये था कि ईबीसी सर्टिफिकेट और ओबीसी सर्टिफिकेट वगैरह कब तक वैलिड माना जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आप करवाने जाएंगे, तो जो भी आप क्वालिफिकेशन का जो जिक्र आप अप्लीकेशन फॉर्म में किए होंगे, चाहे अगर डिप्लोमा लेवल पे किए होंगे तो डिप्लोमा का दिए होंगे आप, उसके बाद या बीटेक पर तो बीटेक का आप उसमें ये मेंशन किए होंगे क्वालिफिकेशन। तो जो भी क्वालिफिकेशन आप उसमें अप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन किए हैं, वो क्वालिफिकेशन का आप सर्टिफिकेट मैट्रिकुलेशन लेवल से लेकर और बीटेक लेवल या डिप्लोमा लेवल तक लेकर जाइएगा। और उसका जैसे कि मैट्रिकुलेशन का है, तो मैट्रिकुलेशन का आपको मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए मैट्रिकुलेशन का। दूसरा इसी प्रकार 10+2 का भी मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट, इसी प्रकार बीटेक का भी या डिप्लोमा किए हैं तो उसका जो है सारे सेमेस्टर का या ईयर वाइज है तो ईयर का मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाय द वे ऐसा भी होता है कि आप इसी साल अगर बीटेक किए हैं या डिप्लोमा किए हैं तो आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं होंगे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, उससे काम आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चल जाएगा। वो बोल देंगे कि आपको जिस समय ज्वाइनिंग दिया जाएगा, जो डिवीज़न अलॉट होगा, उस समय भी आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है फॉर्मेलिटीज़ के लिए, तो उस समय आपको वो मतलब डिग्री सर्टिफिकेट जो है देखेगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर देगा। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि बहुत सारे लोग ये बोले थे उनका जो अप्लीकेशन फॉर्म में जो गलती कर चुके हैं, तो उनका असर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर भी पड़ेगा क्या। तो आप क्या कीजिएगा, एक डिक्लेरेशन के लिए एफिडेविट बनवा लीजिएगा, और जो भी एक माइनर जो आप मिस्टेक किए हुए हैं वो एफिडेविट में आप मेंशन कर दीजिएगा। तो मेंशन कर देने से क्या होगा कि एक तरफ से वो डिक्लेरेशन हो जाता है आपके द्वारा कि बाय द वे मेरे से गलती से ऐसा मिस्टेक अप्लीकेशन फॉर्म में हो गया है, तो भी जो आरआरबी जो बोर्ड है वो मान लेता है। तीसरा ये था कि ओबीसी सर्टिफिकेट और ईबीसी सर्टिफिकेट, तो एक्चुअली क्या है, ओबीसी सर्टिफिकेट और ईबीसी सर्टिफिकेट वगैरह एक साल तक अगर आपका बना हुआ है तो आपको नया बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली वो वैलिड माना जाता है। और इसको जो है आप ओबीसी सर्टिफिकेट और ईबीसी सर्टिफिकेट, बाय द वे अगर आपके पास नहीं रहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसी समय आपको बोला जाएगा, यानी कि कैंडिडेचर जो है आपका कैंसिल कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। 15 दिन आपको कम से कम समय दिया जाएगा, 10 से 15 दिन, और 15 दिन के अंदर आपको बोला जाएगा कि आप जो है ये जो सर्टिफिकेट है वो आप लेकर सबमिट कीजिए। अगर आप सबमिट कर दीजिएगा फिर वहाँ पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सबमिट अगर नहीं करेंगे आप तो आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर सकता है और कर देता है जनरली। तो इसीलिए जो भी आपको डेडलाइन वो डेट दे, उसके अंदर अगर आपका सर्टिफिकेट बाय द वे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय नहीं है तो आप वहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। तो दूसरा क्या है कि जो ओबीसी सर्टिफिकेट वगैरह आप जो बनाइएगा, तो बहुत सारे लोग ये बोले थे कि कैसे उसका बनाना है, तो उसका ओबीसी सर्टिफिकेट ब्लॉक लेवल पर, उसके बाद एसडीओ लेवल पर, और उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है, जो भी आपका कंसर्न जो डिस्ट्रिक्ट होगा वहाँ से बना होना चाहिए। एक्चुअली जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आप किसी का भी फॉर्म भरते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्म के लिए आपका वो डिस्ट्रिक्ट का जो है जिलाधिकारी का जो होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उनका सिग्नेचर होना अनिवार्य होता है। और इसी प्रकार हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।